बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज CSS कॉर्नर कराची के 4 साल मुकम्मल हो गए। सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान हर नौजवान का एक ख्वाब है, जिसकी तामील के बाद वो पाकिस्तान की खिदमत का अज़म अपने दिल में रखकर सरकारी आला सरकारी जॉब्स को ज्वाइन करता है। सिविल सर्विस की तैयारी समझना और उसकी तैयारी को ख़ास तौर पर फोकस के साथ करना एक आर्ट है। मैंने और मेरे साथियों ने आज से 4 साल पहले इस सफ़र का आगाज़ किया था कि हम हर पाकिस्तानी को वो मौका दें ताकि वो इस मुल्क की खिदमत इस इम्तिहान को क्वालिफाई करके कर सके। ये इनिशिएटिव 100% फ्री है, इसमें कोई पैसे कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को किताबें भी दी जाती हैं, मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है और इम्तिहान की तैयारी कराई जाती है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब तक हमारे बेतहाशा स्टूडेंट्स क्वालिफाई करके सिविल सर्विस ज्वाइन कर चुके हैं। उसके साथ साथ PCS में, FIA में, नादरा में और दूसरे मुकाबले के इम्तिहानों में भी शरीक होकर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हर तालिब इल्म को मुनासिब वक्त दिया जाए, गाइडेंस दी जाए, कोचिंग दी जाए। जो लोग रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें फिर हम इंटरव्यू की और दूसरे मराहिल की भी तैयारी कराते हैं। इस मौके पर मैं इस ख़ास मौके पर मैं हमारे एक कोलीग और साथी इफ्तिखार शलवानी साहब, जो कि वफाकी सेक्रेटरी हैं, उनका जिक्र करना चाहूँगा। शलवानी साहब जब कमिश्नर कराची थे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मेट्रोपॉलिटन थे, तो उन्होंने और उनके साथ ताहा सलीम साहब, जो एक नौजवान अफसर हैं और आजकल डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तैनात हैं, उन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया और इसमें साथ उनके शामिल हुए DIG पुलिस मकसूद अहमद साहब और बाद में ज़ीशान शफीक सिद्दीकी साहब। इन चारों साथियों ने और KMC के अमले ने, दूसरे और लोगों ने हमारे इस मिशन में हमारा साथ दिया और ये आज एक इदारा बन चुका है जिसमें किसी तफरीक के बगैर, किसी डिफरेंस के बगैर, कोई सवाल किए बगैर हर एक को बराबर मौका दिया जाता है कि वो आए, इल्म हासिल करे, मुकाबले के इम्तिहान में बैठे, अगर अपनी अंग्रेज़ी ठीक करना चाहता है, अपनी जनरल नॉलेज ठीक करना चाहता है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर अपनी बेहतरी करना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर क्वालिफाइड असातिज़ा मौजूद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।